अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम जो है वो पढ़ रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी, उसका चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट हमने स्टार्ट किया था। हम पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में और उसका हमने कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, उसके 3 पार्ट्स हैं, दैट इज़ अ ब्लड, हार्ट एंड द वेसल्स। ब्लड और हार्ट के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, तो आज हमने जो पढ़ना है टॉपिक दैट इज़ द ब्लड वेसल्स, द थर्ड पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज़ द ब्लड वेसल्स। तो आज हमने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ना है। 3 काइंड्स हैं ब्लड वेसल्स के, 3 टाइप्स के ब्लड वेसल्स हैं हमारे अंदर। एक हैं आर्टरीज, देन हैं कैपिलरीज एंड द थर्ड वन इज द वेन्स। तो ये 3 काइंड्स की, 3 टाइप्स की जो हमारे अंदर वेसल्स हैं ये पाई जाती हैं, और इन तीनों का जो फंक्शन है वो यही है, ट्रांसपोर्ट करना, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी में कंटिन्यूसली। और इसमें जो है हम बारी बारी पढ़ते हैं तीनों के रोल के बारे में। सबसे पहले हम आर्टरीज को देख लेते हैं। आर्टरीज जो हैं इनके अंदर ये वो वाली ब्लड वेसल्स हैं जो कि लेके जाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और उस ब्लड को ये कहाँ लेके जाती हैं, अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी हार्ट से दूर बॉडी की तरफ ये उसको लेके जाती हैं। और इसके अलावा जो है सिवाय एक आर्टरी के, दैट इज़ अ पल्मोनरी आर्टरी, सिर्फ एक पल्मोनरी आर्टरी है जो कि ऑपोजिट काम करती है, यानी कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स के पास लेके जा रही थी। तो सिर्फ वो वाहिद किस्म की आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बाकी जितने भी आर्टरीज हैं हमारी बॉडी के अंदर वो सारी की सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, और हार्ट से जो है वो पूरी बॉडी में जो है वो उसको लेके जाती हैं। अब जो स्ट्रक्चर है आर्टरीज का वो वेल अडॉप्टिव है कि वो अपना फंक्शन तरीके से परफॉर्म कर सके। किस तरह से, कि इसकी 3 लहें हैं, 3 लेयर्स होती हैं इसकी, आउटर मोस्ट, देन इनर एंड द मिडल। तो ये 3 किस्म के इसके अंदर हैं, और तीनों के अंदर जो है वो अलग अलग किस्म के वो टिश्यूज पाए जाते हैं। कौन कौन से, जो इसकी आउटर मोस्ट है वो मिलके बनी होती है कनेक्टिव टिश्यूज की, जो मिडल है वो स्मूथ मसल और इलास्टिक मसल्स होते हैं उसके अंदर, और जो इनर है वो एंडोथीलियल सेल्स की, सबसे बाहर वाली जो है ये कनेक्टिव की मिलकर बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू। जो इसके अलावा जो इसकी मिडल है, सो इनर है, ये एंडोथीलियल हैं, एंडोथीलियल सेल्स हैं, और इसके अलावा जो मिडल है यहाँ पे स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, स्मूथ होती हैं, और इसके अलावा जो है इलास्टिक जो है ये पाई जाती हैं, यहाँ पे ये टिश्यूज पाए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है इसके दरमियान में जो है वो एक हाली सी ओपनिंग होती है, मतलब इस तरह से है ना ये, और इसके बाद यहाँ पे इसकी 3 तहें आ जाती हैं बारीक सी, एक यूं, और फिर बीच में ये जो हॉलो सा पोर्शन है, हाली सा जैसे पाइप की तरह है ये, इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। आर्टरीज के अंदर जो हाली सा पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूमेन, जिसके अंदर ये कैविटी है जिसके अंदर से ब्लड जो है वो पास होता है। उसके बाद जब आर्टरीज जो हैं वो ऑर्गन्स के अंदर एंटर होती हैं, तो ऑर्गन्स के अंदर एंटर होने के बाद वो आर्ट्रियोल्स में बदल जाती हैं, एंड देन आर्ट्रियोल्स आगे से जब टिश्यूज के अंदर एंटर होते हैं तो वो कैपिलरीज में चेंज हो जाते हैं, और फिर कैपिलरीज, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम जो दूसरी काइंड पढ़ने लगे हैं दैट इज अ कैपिलरीज, वो एज इट इज खुद कोई स्पेसिफिक काम नहीं करती, बल्कि वो आर्टरीज और वेन्स की ही सबडिवीजन्स है, और फिर वो फंक्शन परफॉर्म करती हैं ऐसी जगहों पर जहाँ पे आर्टरीज और वेन्स अपने लार्ज साइज की वजह से पहुँच नहीं पाती, वहाँ पर वो कैपिलरीज को जो है वो पहुँचा देती है। मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है ना, एक बॉडी के आर्गन में यूं ये कैपिलरी आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, इसके बाद जब ये ऑर्गन्स के अंदर एंटर होती है और वहाँ से जब टिश्यूज के अंदर, तो ये इसकी क्या बन जाती हैं, छोटी छोटी सी ब्रांचेस बन जाती हैं यूं, और फिर दूसरी तरफ से यही वो क्या बना देता है, वेन बना देता है, यानी ये इसका स्ट्रक्चर होता है, यानी ये है इसकी आर्टरी जो कि
उसके अंदर क्या लेके आई है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आई है। फिर उन जगहों के अंदर जहाँ ये खुद नहीं पहुँच पाई, वहाँ पे इसने अपनी ब्रांचेस बना दी कैपिलरीज की सूरत में, और फिर कैपिलरीज वापस इकट्ठी होकर क्या बना देती हैं, वेंस, और उस ऑर्गन से बाहर निकल जाती हैं। तो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये एक एग्जाम्पल है। उसके बाद हम देख लेते हैं दैट इज कैपिलरीज के बारे में। जैसे कि अभी हमने बात की कि ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं, ये स्मॉलेस्ट होती हैं यानी बहुत छोटी हैं, और ये उन जगहों पे पहुंचती है जहाँ पे आर्टरीज और कैपिलरीज जो है वो खुद नहीं पहुंच पाती। तो ये आर्टरियोल्स की जो है आगे से डिवीजन होती है। अच्छा, अब इनका काम क्या होता है कि ये ना सिर्फ एक सिंगल लेयर है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सिर्फ सिंगल सेल है, सिंगल सेल लेयर है, यानी बहुत बारीक, इतनी बारीक होती है कि इनकी अपनी जो वॉल है और जो टिश्यू फ्लूड है, ये छोटी बारीक सी पतली सी नाली होती है, बारीक सी वो जो है वो बन गई है थोड़ी सी इस तरह से, तो बहुत बारीक सी होती हैं, और इसके अंदर और इससे बाहर जो है वो मूवमेंट हो जाती है। मतलब जब ये अंदर जाता है तो ब्लड के अंदर से जो ऑक्सीजन है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो डाइजेस्टिव फूड है जो उसको वो देने आया है, वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए, ऑस्मोसिस के प्रोसेस के जरिए यहाँ से डिफ्यूज हो जाएगा टिश्यू फ्लूड के अंदर, और इसी तरह से टिश्यूज़ के अंदर जो वेस्टेज वगैरह होगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वेस्ट मटीरियल है जो उसने बाहर फेंकना है, वो वापस कैपिलरीज के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा। मतलब यहाँ से अंदर ऑक्सीजन, इसके अलावा जो है न्यूट्रिएंट्स जो वो लेके आया है, जो इस ब्लड के अंदर जो है वो पाई जाती हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये कहाँ पे जाएंगी, ये डाउनवर्ड टिश्यूज़ के अंदर चली जाएंगी, और वापस इसके अंदर जो है वो वेस्ट इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, अब्सॉर्ब कर लेगा। तो ये इसका जो है स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि ये अपना काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, कि बहुत थिन है, कि छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ईजिली इसके अंदर से पास ऑन हो जाते हैं विद वेस्टेज भी। अच्छा, इसके बाद अगली बारी आती है वेंस की, कि जब ये कैपिलरी सारी जो है वो आगे से विन्यूल्स बना देती हैं, और फिर विन्यूल्स के बाद वो वेंस में खुल जाती हैं। तो अब वेंस का क्या काम होता है, जैसे कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता था, तो जो वेंस है हमारी ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। जितना भी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारे के सारा वेन्स के अंदर है, और इसका मतलब हुआ कि ये अब ब्लड को कहाँ लेके आता है, टूवर्ड्स द हार्ट, हार्ट की तरफ, पूरी बॉडी से खून को इकट्ठा करके, तो ये जो है वो दिल की तरफ लेके आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये कैरी करता है। अच्छा, अब ये भी अपने स्ट्रक्चर जो है उससे क्या हुआ है कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो उस तरह से बना हुआ है कि अपना काम जो ठीक तरीके से परफॉर्म कर सके। एडल्ट्स के अंदर बिल्कुल सेम लाइक जैसे पल्मोनरी आर्टरी वाहिद आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बाकी सारी की सारी आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, पल्मोनरी आर्टरी वो वाहिद है जो डी ऑक्सीजनेटेड को कैरी करती है। बिल्कुल इसी तरह से वेन्स में सारी की सारी जो वेन्स हैं वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, बिल्कुल सिवाय सिर्फ एक के जिसका नाम है पल्मोनरी वेन, तो ये उल्टा काम करता है, यानी कि ये ऑक्सीजनेटेड को कैरी करता है जो कि लंग से वापस हार्ट की तरफ ही उसको लेके आता है। अच्छा, इसका जो वेन्स का स्ट्रक्चर ये भी वेल अडॉप्टेड है फॉर देयर फंक्शन, तो वॉल जो है इसकी जो कंपोज हुई हुई है वो बिल्कुल वही है जो कि आर्टरीज की थी, यानी इसकी आउटर लेयर कनेक्टिव की है, इसकी इनर एयर एंडोथेलियल की है, इसकी मिडल जो है वो स्मूथ और इलास्टिक की है। सिर्फ फर्क कहाँ आ जाता है कि जो इसकी मिडल लेयर है वेन्स की, वहाँ पे स्मूथ मसल्स और ये कम पाए जाते हैं, इलास्टिक फाइबर्स जो हैं ये थोड़े कम हैं आर्टरीज की निस्बत, तो इसलिए जो आर्टरीज होती हैं वो ज़्यादा जो है वो क्या होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। हमने जब पल्स रेट को मेजर करना हो तो भी हम आर्टरीज से मेजर करते हैं, बिकॉज दे आर इलास्टिक, ये इलास्टिक होती हैं, तो वो ईजिली हमें जो है वो ये चीज़ फील हो जाती है कि ब्लड जब पम्प करता है बॉडी के अंदर और वो आर्टरीज में से गुजर के जाता है वापस, तो वो बिल्कुल पल्स की तरह पल्स की सूरत में वो हमें फील होती है। अच्छा, टिश्यूज़ के अंदर जो है ये फिर कैपिलरीज जो है ये छोटी छोटी विन्यूल्स बना देती हैं, और विन्यूल्स के बाद जो है वो वेन्स बना देती हैं, और ज़्यादातर जो वेन्स हैं उनके एंड पे फ्लैप्स भी मौजूद होते हैं, दरवाजे मौजूद होते हैं टू प्रिवेंट देयर बैक फ्लो, ताकि इनके बैक फ्लो से वो उसको क्या कर सके, रोक सके कि ब्लड वापस मिक्स ना हो। तो ये था हमारा यहाँ तक उसके बारे में, क्या नाम है, वेजल्स के बारे में। तो एक दफ़ा फिर थोड़ा सा देख लेते हैं कि आर्टरीज जो होती हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, हार्ट से दूर लेके जाती हैं, इसकी तीन लेयर्स हैं, आउटर लेयर, इनर लेयर, मिडल लेयर,
आउटर जो है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, इनर एंडोथेलियल से, मिडल जो है वो स्मूथ मसल्स है, और ये अपने काम के लिए वेल अडॉप्टेड है। इसके बीच में कैविटी बनी होती है जिसको हम ल्यूमिन कहते हैं, और ये जो आर्टरीज हैं ये जब ऑर्गन्स के अंदर एंटर होती हैं तो ये कैपिलरीज की सूरत में डिवाइड हो जाती हैं, और ये जो कैपिलरीज हैं ये बहुत बारीक सी हैं, ये सिंगल सेल हैं कि इससे इजीली जो है वो मटेरियल जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए पास ऑन हो जाते हैं। ये ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन जो न्यूट्रिएंट्स लेके आई होती है उसको टिश्यूज के अंदर फ्लूइड के अंदर भेज देती हैं। इस तरह से टिश्यू फ्लूइड्स में से ये जो बाकी चीज़ें हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, वेस्ट है, तो उसको ये वापस ले जाते हैं। उसके बाद ये छोटी छोटी विन्यूल्स की सूरत में, विन्यूल्स थोड़ी सी बड़ी होती हैं कैपिलरी से, उस सूरत में इकट्ठी होने लग जाती हैं, और फिर लास्ट में सारी विन्यूल्स मिलकर वेन बना देती हैं, और फिर वेन में ब्लड चला जाता है, और वेन जो है इसको वापस हार्ट की तरफ लेके जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है वो हार्ट की तरफ, उसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल आर्टरीज की तरह बना है कि अपना काम ठीक तरीके से परफॉर्म कर सके। उसकी भी तीन तहें हैं, आउटर है, मिडल है, इनर है, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है कि सिर्फ उसकी जो मिडल लेयर है जो कि स्मूथ और इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बनी होती है, इसमें जो इलास्टिक और स्मूथ मसल्स थोड़े से कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज, बिकॉज दे आर इलास्टिक, और इनका काम जरा ज़्यादा है वेन्स का, इसमें पूरी बॉडी से इकट्ठा करके ब्लड को वहाँ लेके जाना होता है, इसलिए ये इतने इलास्टिक नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ज़रूर है एज़ कम्पेयर टू जो है वो आर्टरी। और इसके अलावा इनके एंड पे जो है वो वॉल्स मौजूद होते हैं फ्लैप्स की सूरत में, जो कि क्या करते हैं कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं कि वापस ना आए ब्लड जो है उसका पाथ जो है वो सीधा रहे। अच्छा, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। संदाई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।